प्लीज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड वीडियो तो फ्रेंड जैसे हमारी कल बात हुई थी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेट लॉस चैलेंज थर्टी डेज का और ये अगस्त का वेट लॉस चैलेंज होगा और जो लोग मेरे साथ आज इस चैलेंज में जुड़े हैं और मेरे साथ अपना वेट लॉस करेंगे तो हम सारे मिलके कोशिश करेंगे कि हम इस मंथ में एटलीस्ट uh, टेंथ से ट्वेल्थ के जी तक वेट लूज कर सकें ओ भी हेल्दी वे में जैसे मैं करती हूँ अपना आ, अपना मैंने अभी तक एटीन के जी वेट लूज़ किया है और बिल्कुल हेल्दी वे में किया है विदाउट एनी क्रैश डाइटिंग ना ही ये कि आपको कम खाना है आधी रोटी खानी है आपको अच्छे से खाना खाना है हाई प्रोटीन लेना है लो का खाना है बाहर का सारी चीज़ें कट करूँगी और जो घर में हेल्दी फूड होता है वही खा के हम अपना वेट लूज़ करेंगे तो आज के लिए गुड मॉर्निंग टू एवरी क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है अभी उठते ही मैंने जैसे आपने क्लिप्स देखी होंगी मैंने योगा किया है थोड़ी स्ट्रेचिंग की है जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो घर में मैं नहीं कहती कि आप जिम जाओ जो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर, कर सकते हो योगा कर सकते हो या वॉक कर सकते हो वो आप कर लो अगर आप नहीं कर पाते तब भी आपका वेट लूज होगा जिस जो डाइट मैं आपको बताने वाली हूँ और जो रेसिपी प्लीज़ आपको देने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि तो मैं आपको रेसिपीज भी दूँगी और बताऊँगी क्या क्या आप खा सकते हो और वो अगर आप खा के देखोगे आपको नेक्स्ट डे ही आपका वेट कम आएगा ये मेरा प्रॉमिस है ठीक है तो चीट मत करना फुल डे जो भी मैं खाऊंगी पीऊंगी जो बताऊंगी वही आपको खाना पीना है जिससे आपका बहुत ही जल्दी से वेट लूज़ हो जाएगा ठीक है तो अभी हम कर रहे हैं हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट जैसे पता होगा जो लोग मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आज से हम अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग का टाइम है अभी मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली है फ्रेंड्स मैं अपना वेट देख के बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगी क्योंकि ये है सेवेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी और लास्ट वीक जब मैंने अपना वेट किया था तो वो था सिक्सटी नाइन और सेवेंटी के बीच में तो आ, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आ, मेरा कल से मेन्सुल साइकिल स्टार्ट हो गया मीन्स पीरियड तो पीरियड्स के टाइम पे आपका दो से तीन किलो वेट बढ़ ही जाता है साथ ही साथ लास्ट वीक मैंने थोड़ा सा चीट भी किया था तो शायद इस वजह से तो कोई नहीं अभी हम अपना ब्रेकफास्ट बनाने आ गए हैं किचन में और मैंने बैठ के अभी इतमान से पानी पिया है एक टम्बलर मतलब एक लीटर पानी पीने में पी लिया होगा और अभी गर्मियों में मैं कोई भी ऐसा वेट लॉस ड्रंक नहीं ले रही हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ इंग्रेडिएंट्स ये है थोड़ा सा मैंगो ये हाफ मैंगो मैंने लिया है और टोन मिल्क है मेरे पास साथ ही साथ ये पावर पैक सत्तू है चने का सत्तू आप ले लीजिएगा इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये हमारी आ, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है तो आज मैं उससे एक ड्रिंक बना रही हूँ यहाँ पर मैंने हाफ़ मिल्क मतलब हाफ ग्लास मिल्क ले लिया है उसमें मैंने ये मैंगो ऐड कर दिए हैं टू स्लाइसेस ऑफ मैंगो है और उसके साथ ये दो स्पून में प्रोटीन पाउडर मैं इसको कह सकती हूँ सत्तू प्रोटीन पाउडर है तो ये मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें और हमें कुछ नहीं ऐड करना है इसमें अगर आपको मीठे के शौकीन है और आपको इस तरह से नहीं अच्छा लगा तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हो मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा लेना है आपको स्टीविया जिस जो स्वीटनर होता है वो आप ले सकते हो ये है स्टीवियो कॉल का ज़ीरो शुगर है मैंने अभी इसको ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं इसे सिर्फ चाय में ऐड करती हूँ क्योंकि फीकी चाय मैं नहीं पी पाती और देखिए ये हमने ग्राइंड कर लिया सॉरी इसका अच्छे से कर लिया ग्राइंड और उसके बाद मैंने इसको इस मग में निकाल लिया है ऊपर से मैंने बासिल सीड भिगो के रखे थे आप चिया सीड हो या बासिल सीड वो ऐड कर सकते हैं इसमें और ये मेरा बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है जी हाँ ब्रेकफास्ट से मैं सिर्फ यही लूँगी अभी और ऐसा नहीं है कि ये आपको इसको पीने के बाद भूख लगेगी या फिर इसको पीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है सत्तू अपने आप में ही बहुत हैवी होता है और कम्प्लीट मील होता है ठीक है तो आप इसको पियोगे वेट भी नहीं बढ़ेगा आपको एनर्जी भी रहेगी थोड़ा सा इसमें आम भी है तो आपको आम की आम की जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छे से आराम से मैंने इसको बैठ के पिया और मैं अपना ब्रेकफास्ट हो या लंच हो जो भी बहुत ही रिलैक्स होके करती हूँ तो अभी आ गया है हमारे लंच की बारी तो लंच के लिए मेरे पास कुछ वेजीज़ थी उसको मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है ये अमूल का छोटा सा बटर लिया है चिपलेट मैंने और पनीर है हम यहाँ पर 50 से 70 ग्राम पनीर भी लेने वाले हैं क्योंकि हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन हाई प्रोटीन लो का कोशिश करेंगे कि हम डाइट करें कि उससे वेट अच्छा जाता है और जो भी खाना बनाएंगे उसे हम बटर या देसी घी में या कोकोनट ऑयल में बनाएंगे उसके अलावा कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है और उसमें तवे पे बटर डाल के मैंने ये सब्ज़ियाँ फ्राई कर ली थोड़ी सी और उसके ऊपर मैंने ये पनीर भी ऐड कर दिया है पनीर को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे आप मसाले अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं बस यहाँ पर औरिगेनो ऐड कर रही हूँ बटर में इसको बना रही हूँ तो सॉल्टेड हो ही जाएगा और सॉल्ट मैं बहुत कम लेती हूँ इसलिए सॉल्ट अलग से ऐड नहीं करूँगी साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मैं अभी सॉस ऐड करूँगी टमाटो सॉस आप चाहो तो सोया सॉस ऐड कर सकते हो या कुछ भी बट एक लिमिटेड क्वान्टिटी में बहुत थोड़ा सा ये देखिए ये छोटा सा पाउच था इसको भी मैंने आधा लिया है जिससे कि थोड़ा सा ना इन्हेंस हो जाए टेस्ट और खाने में अच्छा लगे तो शिमला मिर्च वगैरह थी गाजर थी प्याज़ थी ये सारी चीज़ों को पहले फ्राई किया इसमें पनीर फ्राई किया और इसको अब अलग निकाल के रख देंगे तवे के बारे में बात मत करिएगा ये आयरन कास्ट का तवा है तो आयरन के जो तवे होते हैं तो हो जाते हैं जब पुराने ऐसे हो जाते हैं तो इस टाइप के और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और इस बेसन को मैंने हल्दी और सॉरी हल्दी नहीं लाल मिर्च और नमक में घोल बना लिया और उसको जैसे चीला बनाते हैं ना वैसे इस तवे पर डाल दिया है दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेंगे और इसके अंदर हम भरेंगे अपनी स्टफिंग क्योंकि हमें एक पूरा कंप्लीट मील चाहिए जिससे हमारा पेट भी भर जाए और हमें टेस्ट भी आ जाए हमारी क्रेविंग्स भी शांत हो जाए मतलब हमें क्रेविंग्स भी ना रहे कि हमने कुछ अच्छा नहीं खाया है तो आज मेरा जीला थोड़ा सा पतला हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है आपको पता है जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो इतनी भूख नहीं लगती है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला बनाया है अगर आप चाहो तो थोड़ा मोटा बना के या दो भी बना सकते हो ठीक है तो मैंने एक में ही सारी स्टफिंग कर ली है इट इट वॉज टू यमी बहुत अच्छा बना था बहुत ही डिलीशियस था और मेरा तो खुश हो गई मैं खा के और इसके साथ मैंने सैलड लिया है आप छाछ भी ले सकते हो तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपना लंच नहा धो के रेडी हो गई थी इस डाइट में आपको जो भी खाना है वो अच्छा खाना है उसमें प्रोटीन भी हो और सबसे बड़ी बात है आपका मन खुश हो ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको ऐसा लगे कि आप भूखे हो आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो सिर्फ कच्ची सब्जियां खा रहे हो या फिर कुछ ऐसा खा रहे हो जो आपको पसंद ही ना हो क्योंकि जब आप ऐसे डाइट करते हो तो वो ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है डाइट और आपका जब मन खुश नहीं होता तो बॉडी खुश तो बिल्कुल ही नहीं होती आपकी स्किन पर भी असर दिखाई देता है उसका तो यहाँ पर जो भी हम डाइट में जो भी रेसिपीज़ बनाएंगे ट्रस्ट मी वो उसमें उससे आपका वेट भी नहीं पड़ेगा और आपको इन्जॉय भी करोगे शाम के टाइम मुझे भुट्टा खाने का मन था तो ये बहुत थोड़ा सा मैंने खाया था और नाइट में मैंने ये बनाई थी एग भुर्जी इसकी रेसिपी मैं आगे दे दूँगी क्योंकि अभी इतनी जल्दी में बनाई थी और तबीयत भी नहीं ठीक थी तो ये बस एग भुर्जी थ्री एग्स की बनाई थी और वो मैंने खाई थी साथ में रात में मैंने ली थी ग्रीन टी तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ अल्लाह आप